जैसे ही आप दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर महरोली रोड पर जाते हैं, आपको किले के बिखरे हुए निशान दिखाई दे सकते हैं। आधे टूटे हुए ढलान वाली दीवारें, बड़े बुर्ज और टूटे हुए मेहराब, आप जो देख रहे हैं वह तुगलकाबाद किले के खंडर हैं, जो उस जगह से घिरा हुआ है जहां कभी एक पूरा शहर शुरुआत से बनाया गया था। समय की मार, ईंटों और दरारों में उगे हुए खरपतवार और बिना किसी नियंत्रण के पत्तों के रूप में घुस गए हैं। एक समय में तुगलकाबाद के राजघरानों और दरबारियों के लिए एक किलेबंद शहर माना जाता था, जो दुश्मनों के हमले से हर समय सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसकी कहानी महान सम्राटों की शक्ति और महत्वाकांक्षा की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। तुगलकाबाद किला भारत के दिल्ली में खंडर किला है, जिसे भारत की दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1321 में बनवाया था। क्योंकि उन्होंने दिल्ली के तीसरे ऐतिहासिक शहर की स्थापना की थी, जिसके बाद 1327 में छोड़ दिया गया था। गाजी मलिक भारत के दिल्ली में खिलजी शासकों का सामंत था। खिलजी वंश एक तुर्क अफगान राजवंश है जिसने भारत पर शासन किया। ग्यासुद्दीन तुगलक का असल नाम गाजी मलिक था और उसने अलाउद्दीन खिलजी के शासन में गवर्नर के रूप में शुरुआत की। मशहूर कहानी के मुताबिक जब मुबारक खिलजी अपने पिता की गद्दी पर बैठे तो गाजी मलिक ने सुझाव दिया कि वह अपने शासन के दौरान एक किलेबंद शहर का निर्माण करे। खिलजी ने इस प्रस्ताव को हंसते हुए टाल दिया और गाजी मलिक से कहा, जब वह राजा बनेगा तो वह खुद उस किले का निर्माण करे। उसे नहीं पता था कि उसका मजाक एक भविष्यवाणी थी। 1320 में शासक के इंतकाल के बाद कुछ लोगों का मानना है कि वह खुद गाजी मलिक द्वारा तख्ता पलट किया गया था और मलिक ने तुरंत उसकी जगह ले ली और इस तरह गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक बन गया और इस तरह से उसने महत्वाकांक्षी सपने का निर्माण शुरू किया। मलिक ने खिलजियों को खदेड़ दिया और ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम की उपाधि ले ली, जिससे तुगलक वंश की शुरुआत हुई। उसने अपने मशहूर शहर का निर्माण शुरू कर दिया, जिसे उसने मंगोल लुटेरों को दूर रखने के लिए एक मजबूत और ना भेदे जाने वाले किले के रूप में बनाया था। उसने उसे एक सुंदर किले के रूप में देखने का सपना देखा था, हालांकि नियति वैसी नहीं होती जैसा वह चाहता था। उन दिनों मंगोलों के हमले आम थे। तुगलक एक ऐसा किला बनाना चाहता था जो दिल्ली की सल्तनत की रक्षा करेगा, जो अभेद हो, जिसे कोई पार ना कर सके। इसलिए उसने मजदूरों को ऊंची दीवारें, लड़ाई के मैदान और आधे गोले वाले गढ़ बनाने के लिए लगाया, जहां से दुश्मनों की पहचान की जा सके और उन पर हमला किया जा सके। किला बड़े शहर का हिस्सा था, जिसमें राजघरानों के रहने के लिए महल का इलाका था, साथ ही एक तरफ घर भी थे। प्राकृतिक रूप से बहने वाली धारा से पानी को रोकने और उसे झील में बदलने के लिए एक बांध भी बनाया गया था। तालाबों के साथ साथ एक झील आने वाले दुश्मनों के लिए बाधा बन जाती थी। तुगलकाबाद में अभी भी उल्लेखनीय विशाल पत्थर की किलेबंदी है, जो शहर के अनियमित जमीनी योजना को घेरे हुए है। ढलानदार मलबे से भरे शहर की दीवारें, जो तुगलक खानदान के स्मारकों की खासियतों को दर्शाती हैं। 10 से 15 मीटर ऊंची, इसमें जंगों के जमाने के गुंबद बने हुए हैं और 2 मंजिल तक की ऊंचाई पर आधे गोले वाले बुर्जों को मजबूती से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि शहर में कभी 52 एंट्री गेट थे, जिसमें से आज केवल 13 ही बचे हैं। गढ़वाले शहर में 7 बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाए गए थे। किला आकार में काफी बड़ा था, जिसका आधार
तकरीबन 2.5 किलोमीटर और पूरा उसका एरिया तकरीबन 6.5 किलोमीटर का था। किले के अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है। मस्जिद के बाहर एक छोटा सा आंगन है जिसे लोहे की रेलिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। मस्जिद में एक छोटा सा कमरा है जिसके सामने की दीवार पर 3 मेहराब वाले दर बने हुए हैं। बाहर से देखने पर मस्जिद के कमरे में 3 एंट्री गेट हैं जो 3 मेहराबों से बने हुए हैं। तकरीबन 700 साल गुजर जाने के बाद भी मस्जिद काफी अच्छी हालात में है। यहाँ अब नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मस्जिद से बाहर आने पर इसके बराबर में कुछ और टूटे हुए खंडर भी मौजूद हैं। पूछने पर पता चला यह खंडर मदरसे यानी कि स्कूल के हैं, जिसके अवशेषों के तौर पर बस अब मदरसे का एंट्री गेट ही बचा है। इस गेट को देखकर ही आप उस दौर के आर्किटेक्चर स्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं। दरवाजा बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है जिसको प्लास्टर से ढका गया है। आइए आगे चलते हैं। आगे चलने पर एक लंबा रास्ता जमीन के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। जमीन के नीचे यह एक बाजार था। इस अंडरग्राउंड बाजार के दोनों ओर कमरे बने हुए हैं जिसमें कुछ बड़े और कुछ छोटे कमरे हैं। इस गलियारे में बने कमरों में काफी अंधेरा है जिसमें गौर से देखने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता है और चमगादड़ों की आवाजें आती रहती हैं। अगर आप बाजार को बनाने के ढंग को देखें तो बड़े ही शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। दुकानों को 4-4 दुकानों के ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में छत को खोला गया है जिससे बाजार में रोशनी आती है। इसी सेक्शन में ग्राहकों के आने और जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। इसी तरह के इसमें 3 से 4 सेक्शन हैं, यानी 12 से 16 दुकानें बनी हुई हैं। जमीन के नीचे होने से बाजार में ठंडक रहती होगी और उस दौर में अनाज आदि के भंडारण में आसानी होती होगी। यहाँ अंधेरे को दूर करने के लिए दीवारों में मशाले और लैंप लगाने के लिए आले भी बनाए गए हैं। अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो दिन में आएं, शाम में यहाँ अंधेरा ज्यादा होता है। बाजार से बाहर निकलने पर और थोड़ी दूर आगे जाने पर आपको एक जमीन के अंदर छोटा सा एक मोखला सा दिखाई देगा। यह एक सुरंग है। उस दौर में मंगोलों के आक्रमण बहुत होते थे तो कभी किले से छुपकर निकलने के लिए सुरंग को बनाया गया था। यह कितनी लंबी है यह तो मालूम नहीं है, पर कहते हैं कि इसकी लंबाई कई किलोमीटर की है। तुगलकाबाद को 3 भागों में बांटा गया है। इसके गेटों के बीच एक आयताकार ग्रिड के साथ बने घरों वाला व्यापक शहर था। अपने उच्चतम बिंदु पर एक टावर वाला गढ़ जिसे बिजार मंडल के नाम से जाना जाता है और कई हॉल और एक लंबे भूमिगत मार्ग के निशान आज भी मौजूद हैं। पास के महल के इलाके जिसमें शाही निवास था, टावर के नीचे एक लंबा भूमिगत मार्ग अभी भी बनाया गया है। किले के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। उसका कुछ थोड़ा सा ही हिस्सा हमको आज दिखाई देता है। आज शहर का ज्यादातर हिस्सा घनी कटीली पेड़ों और पौधों के कारण बड़ा मुश्किल है इस इलाके में घूमना। पूर्व शहर का इलाका का लगातार बढ़ता हुआ हिस्सा आधुनिक वस्तुओं द्वारा कब्जा लिया गया है, खासकर इसके झीलों के आसपास का इलाका। तुगलकाबाद के दक्षिण में ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे के किले बंद चौकी के भीतर एक विशाल जल भंडार था।
गयासुद्दीन तुगलक को आमतौर पर एक उदार शासक माना जाता है। हालांकि उन्हें अपने सपनों के किले का इतना शौक था कि उन्होंने यह आदेश जारी कर दिया कि दिल्ली के सभी मजदूरों को उनके किले में काम करना होगा। 13वीं सदी में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया भी अपने घर में एक बावली का निर्माण करा रहे थे। चूंकि हर कोई किले के निर्माण में व्यस्त था, इसलिए उन्हें अपनी बावड़ी बनाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। इसलिए मजदूर दिन में किले में काम करते थे और रात बिताते थे बावड़ी का काम करने में। जब तुगलक को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया अपने मजदूरों को काम पर लगा रखा है, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। गुस्से में आकर उन्होंने बावड़ी वाले जगह पर तेल की आपूर्ति बंद कर दी, ताकि रात में काम ना किया जा सके और लैंप ना जलाए जा सके। कहा जाता है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने कुएं के पानी को तेल में बदल दिया था। उन्होंने तुगलकाबाद शहर को श्राप देते हुए कहा, आ रहे उज्जर या बसे गुज्जर, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह उजाड़ रहेगा या चरवाहों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। एक अन्य मशहूर कहानी के मुताबिक तुगलक बंगाल में था। जब उसे निजामुद्दीन के लिए काम करने वाले मजदूरों के बारे में पता चला, तो उसने वापस लौटने पर संत से बदला लेने के लिए कसम खाई। जवाब में संत ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी भी दूर है। वापस लौटते समय तुगलक की अचानक मौत हो गई और जब उसके सम्मान में बनाया गया मंडप उस पर और उसके छोटे बेटे पर गिर गया। तुगलकाबाद या तुगलकाबाद का गढ़वाली शहर 1320 से 1324 के बीच में बनवाया गया था। इसे बनने में तकरीबन 4 साल का वक्त लगा था। हालांकि वह अपने महत्वाकांक्षी सपने को हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन किला और शहर काफी हद तक खाली रहे। इसे तब छोड़ दिया गया जब तुगलक के बड़े बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नामक अपना खुद का गढ़वाली शहर बनाने के लिए अपनी राजधानी को दौलताबाद में ले गया। कई लोग मानते हैं कि ये निजामुद्दीन औलिया के शराब के कारण भी हुआ, जिसके कारण किले का पतन हुआ। दूसरों का कहना है कि इलाके में पानी की कमी के कारण किला रहने लायक नहीं रह गया था। एक महत्वाकांक्षी राजा जिसने 700 साल पहले एक पूरे शहर का निर्माण अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बनाया, मगर वह 4 साल में ही उस शहर को गवा बैठा और वह इस दुनिया से चला गया। आज उस अजीम शान शहर और किले की सिर्फ इमारतों में खंडहर ही बचे हैं, जिन्हें आज हमने विजिट किया है। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को दबाएं। शब्बा खैर।